भाई किया करंस या कैरेंस है, और इसके अंदर हम सिस्टम वगैरह लगाएंगे और सेंटर लॉक लगाएंगे और स्पीकर भी इंस्टॉल करेंगे। और आप देख सकते हो इसमें कैसे खोलना पड़ता है इसको। एक पेज यहाँ लगा हुआ होता है और उसके बाद एक पेज यहाँ लगा हुआ होता है, मतलब डोर की इस तरफ लगा हुआ होता है साइड में, जिससे आप खोल सकते हो इस तरफ से। तो भाई गाड़ी का लॉक और ये अनलॉक, और जिस गाड़ी में ये बटन होता है उसी में माइनस चलती है भाई। कहीं सोचो कि वही माइनस वगैरह ऐसे लगा दो, सारी चेक करना है। ऊपर की साइड में होता है तार और मैंने बता ही दिया है सब कुछ। और वीडियो पूरी एंड तक देखना भाई और लाइक करना, फॉलो करना। ये रिमोट है, ये वाला लगाना है इसमें भाई। यहाँ से हम खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, और ये आधा पीस पहले ये निकलेगा, फिर वो पीस निकलेगा। तो ये ऐसे ये वाला पीस नीचे है ना। हाँ, ये पीस पहले निकलेगा जैसे कि देख रहे हो वीडियो के अंदर, और उसके बाद ये सेकंड पीस ये है। एक पेज है यहाँ पे, एक पेज है यहाँ, बता पेज है। सेंटर लॉक नेगेटिव, और ये आर डी की हम लगाएंगे। लगा दिया, एंड्रॉइड इंस्टॉल कर दिया है। चार इंडिकेटर ऑन करना है इसको। ऑन करने के बाद क्या है, टेस्टर से चेक करनी है इंडिकेटर की तार। ये ब्लू कलर की तार है, बीचों बीच मिली है ये तार। और उसके बाद क्या, टेस्टर है मेरे पास में जो कि बल्ब लगा हुआ है, ये रहा, इससे चेक करना है। ये येलो है, हाँ, और फिर आप इधर आ जाइए, ये ब्लू है, ब्लू वाली इंडिकेटर की हो गई। और फिर आप इधर आइए, ये पिंक वाली है, पिंक वाली इंडिकेटर की हो गई, और पीली वाली रिवर्स की हो गई। और डोर स्विच की हम दरवाजे में लगा देंगे, ऑरेंज वाली डोर स्विच की तार है। ये दोनों इंडिकेटर की है, और ये रिवर्स की तार है सेंटर लॉक की। और कंपनी की तार ये ब्लू वाली इंडिकेटर की है, पिंक वाली इंडिकेटर की है, चेक करके लगाना मेरे भाई। और ये रिवर्स की पीली वाली, ऊपर से ब्लेड मारोगे तो ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगी ऐसे, देख लो। और यहाँ की तरफ देखोगे तो ये एक ये है, अभी मैं इसमें से बताऊंगा। यहाँ पर ऊपर एक कपलर होता है सफ़ेद रंग का, ऊपर की साइड में, तो ये वायर आ रही है यहाँ से, इसमें ढूंढनी है अपनी तार माइनस की। लॉक की वायर ये है, ब्लू पे अपनी जो है हल्का पीलापन है, और एक ऑरेंज कलर की तार है ये माइनस वाली, जो हमारी अनलॉक की वायर है, ठीक है। तो हरी वाली लॉक की होती है हमारी सेंटर लॉक की, इसमें जुड़ेगी, और नीली वाली इसमें जुड़ेगी अनलॉक की, टेस्टर्स की सहायता से। इस दरवाजे में डोर स्विच है, तो डोर स्विच की तार यहाँ पर आ रखी है, तो इसमें जोड़ देना अपने डोर स्विच की तार, ये वाली ऑरेंज वाली जो मैं यहाँ से लाया हूँ। और एक डायोड वहाँ लगा देना, चाहे यहाँ लगा देना, तो दोनों खिड़की अलग अलग नज़र आएगी खुलती हुई, कैसे खुल रही है सेंटर लॉक की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायोड लगता है 4007 का, ठीक है भाई। लगा के ये हमने डोर स्विच में लगाया है, हाथड़ा डोर स्विच में लगाया है, तो ये जो ब्लैक वाला साइड जो है ये हमारा डोर स्विच की तरफ चले गया कंपनी के, और ये जो हमारी सेंटर लॉक की जो लाइन बना हुआ ना अपना गोल चक्कर सा बना हुआ सिल्वर रंग का, ये अपना चलेगा सेंटर लॉक की तरफ की तार में बता रहा हूँ कौन सी है। इसके अंदर जो ये ऑरेंज वाली तार है तो ये अनलॉक की वायर है, और ये नीली पे जो है अपना पीली रंग की तार है, ये अपनी लॉक की वायर है। और टेस्टर से चेक करना भाई, और इसमें बटन लगा हुआ है, और ये तार जो है ऊपर से आती है, ऊपर की साइड से। यहाँ एक कपलर है वाइट रंग का। तो भाई देखो, इसमें दरवाज़ा एक दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने डायोड लगाया है, और उधर भी डायोड लगाया है, उस तरफ भी लगाने को एक तार में भी लगा सकते हो, और लगाने को दोनों साइड अलग अलग तरीके से भी लगा सकते हो। ये डायोड लगाया है, देख सकते हो, ये जा रही साइड दरवाजे वाली साइड में, और ये साइड जा रही है सेंटर लॉक की साइड में। तो ऐसे डायोड लगा दिया है मैंने इसके बीच में, तो ये दरवाजे अलग अलग नज़र आ रहे हैं खुले हुए।